अस्सलाम वालेकुम। इधर से आप लोग भी बैठ जाएं, इधर के लोग नजर नहीं आ रहे हैं इधर से, या तो आप लोग बैठ जाएं या फिर पीछे आ जाएं प्लीज। अब थोड़ी देर, मैं नहीं चाहता कि मेरे और आवाम के बीच में कोई रहे, सिर्फ लोग रहें और हम लोग रहें, बस अच्छा रहे। बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं, बेहतर रहेगा। आप नजर रहे, मोहब्बतों को इनको खड़ा रहने दीजिए। सरदार जी खड़े, इनको कोई हटा सकता है? इनको रहने दीजिए, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है साहब, कि एक तरफ वर्षा ताई खड़ी है, बीच में इमरान खड़ा है, एक तरफ सरदार जी खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान है, इससे मिलकर के हिंदुस्तान बनता है। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद धारावी, धारावी यानी कि हिंदुस्तान, धारावी यानी कि उत्तर भारत के तमाम लाखों लोगों के सर छुपाने की जगह, धारावी यानी कि मेरे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद और उसके आसपास, रायबरेली, जितने खित्ते के जौनपुर, तमाम जो इलाके हैं वहां से हजारों की तादाद में, बिजनौर से भी हैं जो लोग यहां खड़े हैं। मैं पिछले 12 घंटे की मुसलसल फ्लाइट से, 12 घंटे की फ्लाइट से डायरेक्ट मुंबई लैंड किया लंदन से, और सीधे आपके सामने माइक पर खड़ा हूं। मेरी आंखों में पिछले 12 दिनों की नींद भरी हुई है, क्योंकि मैं लंदन के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, मुशायरों में था, और मैंने यह सोचा था कि इस इलेक्शन में आना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे 20 तक रुकना था, 21 को वापसी की मेरी फ्लाइट थी। लेकिन जब वर्षा ताई जी का फोन आया मुझे, तो मैंने कहा कि मैं इस बार मीटिंग्स में बहुत कम जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुशायरों में बिजी हूं। इधर जो दोस्त हैं, थोड़ी देर बिल्कुल ऐसे चुप हो जाएं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल, बिल्कुल थोड़ी देर चुप हो जाएं। वर्षा ताई का जब मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि इमरान, मेरा इलेक्शन चल रहा है मेरे भाई, और तुम्हें आना है, तो मैंने कहा कि ताई मैं लंदन हूं, मुश्किल है मेरे लिए, आप आना। तब उन्होंने कहा कि एक बहन आवाज दे रही है, बहन की आवाज पर भाई नहीं आएगा। उस लम्हे मुझे एक बात याद आई कि ऐसे ही आज से कई सौ साल पहले राजस्थान के एक इलाके से रानी कर्मावती ने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरे भाई, मैं तुम्हें राखी भेज रही हूं, मेरे इलाके पर, मेरे राज्य पर हमला हुआ है, अगर तुम मुझे बचाने नहीं आओगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे राज्य को लूट लेंगे। जमाने ने रोका, लेकिन हुमायूं अपनी सेना लेकर के रानी कर्मावती को बचाने के लिए राजस्थान पहुंचा था। ये है भाई बहन का रिश्ता, शायद उसी रिश्ते की वजह से आरिफ भाई भी यहां हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी यहां है। मैं यहां खड़ा हूं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन 4-6 मिसरे सुना दूं ताकि आप थोड़ा सा उस माहौल में आ जाएं कि आपसे बात की जा सके जी। पिछले दिनों आया था जब पुलवामा अटैक हुआ था यहां मुशायरे में, उसी दौरान शहीदों की याद में, जो 44 जवान शहीद हुए थे उनकी याद में प्रोग्राम हुआ था, तब मैं यहां हाजिर हुआ था। आज फिर हाजिरी हुई है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुने दोस्तों। दायरे में सिमट के आया है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बहुत थका हुआ और बड़े थके हुए मुशायरे पढ़ के आया हूं, क्योंकि वहां पर तो 500-600 लोग होते हैं और वो दाद भी इतने सलीके से देते हैं, बड़े लोग हैं वहां, सब अमीर लोग हैं, तो मैं उनसे कह के आया हूं कि मैं, आपने बड़े सुकून वाले मुशायरे सुने हैं, 15 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूं, वहां का शोर सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में मुशायरे, हिंदुस्तान में शायरी कैसे सुनी जाती है। तो आपके इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं लोग, और लंदन में बैठे हुए हजारों लोग देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, इसलिए आज आपकी खुसूसी दुआएं और खुसूसी तालियां बजनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, माहौल बनाइएगा, फिर कुछ जरूरी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। दायरे में सिमट के आया है, माइक थोड़ा बेहतर कर दें। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। अब तैयार रहना मेरी मोहब्बत के लिए, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है।
गए हुए शेर हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। चुनाव चल रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि आपको डराया भी जा रहा है, आपको धमकाया भी जा रहा है, आपको जज्बाती भी किया जा रहा है। अरे हम ईमान वाले लोग हैं, हम तो अलल एलान ये शेर पढ़ा करते हैं। ये जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, ये जो भीड़ के नाम पर कत्ल करने वाले लोग हैं, हम तो उनसे बस इतना कहते हैं कि नहीं साहब, जब तक हम खामोश हैं हमें खामोश रहने दे। हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे गए एक एक लफ्ज पे यकीन रखने वाले लोग हैं। वरना तो मैं इस भीड़ से ये भी कह सकता हूं कि न बुज दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। वाह वाह वाह। न बुज दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठना चाहिए। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो चार छह को मार कर मरना, अगर मरना पड़े। जिंदाबाद इमरान साहब, वाह 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 वाह। धारावी वालों, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हैं, फेसबुक पर मुझसे जुड़े हैं, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं मैं जिन्हें चेहरों से पहचानता हूं, तमाम ऐसे लोग इधर से लेकर के उधर तक हैं, जो मेरे हमउम्र हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरी माएं भी मुझे सुन रही हैं। आज मैं यहां आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना जब अपनी तकरीरें चुनावी भाषण करते हैं तो वो एक खास समुदाय को, खास लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके अंदर जहन में ये भरने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुसलमानों से बचना है तो हमारे साथ आ जाओ। ये काम कौन करता है? सलीके से ये काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, सलीके से अमित शाह जी करते हैं, सलीके से यहां जो सियासी पार्टियां हैं वो करती हैं। आजकल यही काम दूसरी तरफ भी शुरू हो गया है, मुसलमानों को समझाया जा रहा है। मुसलमान, मैं तकरीरें सुन रहा था, तबरेज अंसारी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पहलू खान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, नजीब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सबके नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं आया तो देखा मैंने सामने बैनर भी लगा हुआ है। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई बड़े पैसे हैं उनके पास, पैसा लेकर के आए हैं। मुसलमान बस्तियों में जाकर के कह रहे हैं पैसे का पिटारा खोल दिया है, पैसा ले लो और हमें वोट दो, वर्षा ताई को वोट मत दो। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, कभी ये सोच जरा डोर किसके हाथ में है। हमें पता है डोर किसके हाथ में है। और ये जो खरीदने की कोशिशें करने वाले लोग हैं, जो आपसे ये कहते हैं कि पैसा ले लो और वोट हमें अपना दे दो, 15 साल पुराना रिश्ता है, 16वां साल सियासत का शुरू है, 15 साल पुराना रिश्ता है आपका वर्षा ताई से, भाई और बहन का रिश्ता है, धारावी के इलाके से। कभी किसी, मैं तमाम ऐसे बच्चों को, दोस्तों को जानता हूं जिनको जरूरत पड़ी और उन्होंने मुझे फोन किया है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वर्षा जी को फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस जाओ, वो तो अपने आप तुम्हें ऑफिस में मिलेंगे और तुम्हारा काम होगा, तुम जाओ, काम नहीं होगा तो मुझे बताना। और उस आदमी ने पलट के मुझसे यही कहा कि इमरान भाई हम गए थे और लेटर मिला और हमारा काम हो गया। मेरे भाई, बहुत जज्बाती बात तुमसे एक बात कह रहा हूं, तुम चाहते हो ना कि रवीश कुमार तुम्हारे लिए आवाज उठाएं? चाहते हो ना? खुशी होती है ना जब रवीश को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हें अवार्ड मिला है। खुशी होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच की आवाज उठाते हैं, वो तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठा रहे, वो इस देश के कानून में यकीन रखते हैं और इस देश की जो कौमी एकजहती है उसे बचाने की कोशिश के लिए आवाज उठा रहे। तुम्हें अच्छा लगता है ना जब सच्चाई के लिए हेमंत करकरे साहब अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और कोई साध्वी प्रज्ञा भोपाल में खड़ी होकर के उन्हें बुरा बोलती है तो आपको लगता है कि जैसे आपके बेटे को, आपके भाई को बुरा कह दिया गया है। अच्छा लगता है ना जब गुजरात के मुकदमे को लेकर के तीस्ता सीतलवाड़ अदालत के चक्कर लगाती है और ये मौजूदा सरकार उसके पीछे सीबीआई छोड़ देती है, तब आप तीस्ता सीतलवाड़ से अपने दर्द को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
आपको अच्छा लगता है जब अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून, वाजपेयी, अजीत अंजुम जैसे लोग मीडिया में रहकर आपके लिए आवाज उठाते हैं और ये सरकार उनकी नौकरियां खा जाती है तो आप उनके साथ अपने दर्द को जोड़ लेते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों नाम गिना सकता हूं। लेकिन आजकल भाजपा भी यही कहती है कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ी गाली है, तो नकीबे मिल्लत भी आजकल यही कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म सबसे बड़ी गाली है। क्या कहने मेरे भाई, जिस दिन सेकुलरिज्म नहीं बचेगा, जिस दिन इस देश में सेकुलरिज्म नहीं बचेगा, उस दिन तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई रवीश नहीं खड़ा होगा, कोई अभिसार नहीं खड़ा होगा, कोई पुण्य प्रसून नहीं खड़ा होगा, कोई तीस्ता सीतलवार नहीं खड़ी होगी, कोई हेमंत करकरे तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करेगा, कोई संजीव भट्ट अपनी नौकरी ठोकर मार करके क्यों जेल में बैठेगा, नहीं खड़ा होगा कोई। कोई वर्षा ताई क्यों खड़ी होगी, वो भी जज्बाती बातें करेगी, नारे लगाएगी और सोचेगी कि चुनाव जीत जाए। मेरे भाई, सेकुलरिज्म एक हाथ से नहीं बचता है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, उसके लिए दोनों तरफ से कोशिशें करनी पड़ती हैं। और अगर नजीब के नाम पे, पहलू के नाम पे, तबरेज अंसारी के नाम पे वोट मांगने वाले मांग रहे हैं, तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी या हजारों की भीड़ में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि नजीब के लिए जितना मैंने आवाज उठाई है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई हो जिसने आवाज उठाई हो, मैंने आवाज उठाई है। नजीब के बाद तबरेज अंसारी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तबरेज अंसारी का घर पूछिए कि झारखंड से कितनी दूर है, तो नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, 150 किलोमीटर रांची से, पहले दिल्ली से रांची की फ्लाइट, फिर रांची से 150 किलोमीटर का नक्सली इलाके से होते हुए तबरेज अंसारी के घर सबसे पहले पहुंचा है तो इमरान पहुंचा है। अमानतुल्ला को लेके गया, मैंने 5 लाख रुपए की मदद करवाई थी। अभी रांची गए थे एक प्रोग्राम में, हजरत मिले 25 पैसे की मदद नहीं करी। मैं इंतजार कर रहा था कि काश उन्होंने कुछ मदद कर दी होती। अगर पहलू खान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है तो मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें पहलू खान के घर जाकर के कोई उनका कार्यकर्ता खड़ा हो। लेकिन इमरान 4 बार पहलू खान के घर गया है। 28 लाख रुपए से ज्यादा सोशल मीडिया की कैंपेन के जरिए मदद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें इमरान पेश रहा है। अगर तुम्हें इसी नाम पर वोट देना, अगर तुम्हें जज्बात के नाम पर वोट देना है, अगर तुम्हें देना है नजीब के अखलाक के, पहलू के, उमर के, रकबर के नाम पर वोट, अगर तुम्हें देना है तबरेज अंसारी के नाम पर वोट, अगर तुम्हें देना है मॉब लिंचिंग के नाम पर, मारे गए लोगों के नाम पर वोट, तो मैं अपना दामन फैला के खड़ा हूं वर्षा ताई के लिए। मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, आपने मुझे बनाया है, मैं आपसे मिलकर के बनता हूं। मेरे पास कोई सियासी विरासत नहीं है। यहाँ तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ, एक बहुत छोटे से परिवार से उठ करके यहाँ खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी दुआओं की वजह से, तुम्हारी बजने वाली तालियों की वजह से। लंदन में भी मेरे लिए तालियां बज रही है। जब मैं लंदन में खड़ा होकर के कश्मीर पर नज्म पढ़ता हूँ तो तुम्हारी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूँ। जब मैं लंदन में खड़ा होकर के मदरसे पर नज्म पढ़ता हूँ तो उस वक्त मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा होता है। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पुकारते हुए कह रहा हूं कि अगर तुम्हें शहादतों के नाम पर वोट देना है, अगर तुम्हें मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों के नाम पर वोट देना है, तो फिर सबसे बड़ा काम मेरा है। मैंने अपना खून पसीना बहाया है। मैंने मॉब लिंच, जब जुनैद का कत्ल किया गया था ट्रेन में, 16 साल के एक मासूम हाफिज को मारा गया था ट्रेन में 3 साल पहले, तो आरिफ मसूद साहब गवाह हैं इस बात के, नजर बिजनौरी साहब गवाह हैं इस बात के कि सबसे पहले जंतर मंतर पर अपने तमाम हजारों दोस्तों और हजारों चाहने वालों के साथ इमरान ने अपना खून दिया था। आरिफ मसूद ने भोपाल में अपना खून दिया था। मैंने पसीना भी बहाया है, मैंने खून भी बहाया है। आपने सिर्फ तकरीरें करी हैं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपसे बहुत दिल से मुखातिब हूँ। हबीब जालिब कभी कहते हैं कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हमारी हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। धारावी वालों, मैं किसी ऐरे गहरे इंसान के लिए आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं किसी शख्सियत के लिए आपसे वोट मांगने आया हूँ जो तभी तकरीर कर रही थी, बोल रही थी तो आपकी बजने वाली तालियां बता रही थी कि आप उनसे क्या मोहब्बत करते हैं, क्या रिश्ता रखते हैं। इस बार चंद लोग छोड़ दिए गए हैं। शिवसेना बीजेपी लगातार पिछले 3 बार से इनके खिलाफ कोशिशें कर रही है, नहीं हरा पा रही है, तो इस बार भाड़े के लोग लाए गए हैं बाहर से।
क्या कहने, क्या सदाकत है इमरान साहब। और बाहर के लोगों ने अपना पिटारा खोल दिया है। मैं जानता हूं कि जब मैं यहां से तकरीर करके उठूंगा तो सुबह सोशल मीडिया के इनबॉक्स गालियों से भरे रहेंगे, क्योंकि नए नए ठेकेदार निकल आए हैं। क्या बात, जो गालियां देते हैं, जो उनके साथ है वही मुसलमान है, जो नरेंद्र मोदी के साथ है वही हिंदू है, जो उनके साथ है वही मुसलमान है, बाकी सब गद्दार हैं, सब काफिर हैं, सब जुम्मन हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। यही होता है कि नहीं होता है? मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ये जमहूरियत है, आप भी सियासत करो, ये सब भी सियासत कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? धारावी वालों, ये जो पिटारा लेकर के घूम रहे हैं लोग, उनसे आपको कहना पड़ेगा कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी तालियों का शोर पूरे बंबई की फजाओं में गूंजना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त तुम्हारी तरफ नजरें उठा के देख रहा है, यहां से वहां तक। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, वो जो ओटों के खरीदार यहाँ आए हैं उनसे कहना के मुसलमान नहीं बिकता है। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इमरान साहब, वाह 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 वाह। एक बार सारे लोग हाथ उठा के वादा कर ले इमरान साहब से, उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के हवाले से, कि हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं एक एक वोट वर्षताई को दिया जाएगा। सब लोग जो हाथ उठा के वादा कर ले ईमानी की रोशनी में, क्या कहना। इधर कुछ लोगों ने नहीं उठाए, कहीं और वादा किया हुआ है क्या? इधर भी आज सारे वादे तोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मैं कितने हजार किलोमीटर का सफर करके आ रहा हूँ, मैं सात समंदर पार से सिर्फ, मैंने कहा नहीं, मैं पहले प्रोग्राम में जाऊंगा तो धारावी जाऊंगा, क्योंकि एक बहन ने मुझे आवाज दी है। मैं तो बस इतना कह रहा, मुझे तो हैरत है कि एक सभा करके गए थे और ये कहा था कि अब जीतने के बाद आएंगे, एक साहब दोबारा आने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक 30 साल के लड़के से इतना कि जैसे ही सभा लगी एक दूसरी सभा भी लगा ली। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मसला यहां ये नहीं है, मसला ये है कि आपके बीच रह के काम कौन कर रहा है, आपका नुमाइंदा कौन है। वर्षाताई के लिए जब जरूरत पड़ती है, तमाम माएं मुझे सुन रही होंगी स्क्रीन पर या मेरी आवाज घरों तक जा रही होगी, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आपको जब जरूरत पड़ती है आप जाती हैं और वर्षाताई का दुपट्टा पकड़ के कहती हैं कि मेरा काम करो, क्योंकि वर्षाताई आप जैसी हैं, आप जैसी दिखती हैं। आप मुझे बताओ, है आप में ये दम, या आपका जमीर ये गवारा करेगा कि जाइए शिवसेना और जो पता नहीं कौन से संसारे पंसारे क्या है, उनका मुझे नाम भी नहीं पता है, आप जाके उनसे कह सकते हैं जिस हक से आप वर्षाताई का दामन पकड़ के कह लेते हैं, मुझे बताइए कह पाएंगे? आपके बीच में रह के काम किया है उन्होंने? नहीं किया ना? वर्षाताई ने किया है ना, तो हाथ उठा के बताइए। किया है तो फिर मुझे बताइए कि किया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्षाताई ने काम किया है ना मेरे भाई? ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई महज एक असेंबली के इलेक्शन की लड़ाई नहीं। आपको लगता होगा कि ये महज एक असेंबली का इलेक्शन लड़ने की लड़ाई है, ये दरअसल हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई मुश्किल है, इस लड़ाई में हार भी होगी, जीत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन लड़नी तो पड़ेगी ये लड़ाई। मुझे खुशी है, मैं अभी लंदन में था तो आरिफ भाई मुझसे 4 दिन पहले इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में आप किससे उम्मीदें देखते हैं, तो मैंने कहा राहुल गांधी से। तो उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी से उम्मीदें देखते हैं तो राहुल साहब तो इस वक्त सियासत से कटे हुए हैं। मैंने कहा शेर अगर 2 कदम पीछे पलट जाए, पीछे खींच ले हमला करने के लिए, तो उसको कटना नहीं कहते हैं, वो तैयारी कर रहा है। और एक चीज और जान लेना, मैं तो अलल एलान इस देश में घूम घूम के कह रहा हूं, अपनी जान को हथेली पे लेके कह रहा हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोरसे के दौर में गांधी के साथ हूं। वाह वाह, मैं ऐसी लड़ाई में आपके बीच खड़ा हूं मेरे भाई,
कि इस लड़ाई में अगर आपने मुझे मायूस किया, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो वो जो चंद आवाजें इस देश में सलीके से अपनी बात कह रही हैं, वो भी खामोश हो जाएंगी। मैं वर्षा ताई के लिए आज और इसलिए खड़ा हूं, अभी आप आरिफ मसूद साहब को सुन रहे थे। आरिफ मसूद साहब क्या हैं, उनकी शख्सियत क्या है, ये मध्य प्रदेश जानता है, भोपाल जानता है। जिस वक्त आरिफ भाई के टिकट का मसला था, बड़ी बड़ी सियासी ताकतें लगी हुई थी कि नहीं आरिफ साहब चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी ताकतें जानती थी कि आरिफ अगर चुनाव जीत गए तो मध्य प्रदेश को एक लीडर मिल जाएगा, एक रहनुमा मिल जाएगा। क्या बात, मैं भी पैरवी कर रहा था, मैं भी अपने तौर पर, और मुझे खुशी है जब मैंने ताई से कहा कि मैंने ताई एक जेन्युइन आदमी के लिए मैं पैरवी कर रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगा था कि ताई उस वक्त इंचार्ज थी मध्य प्रदेश कांग्रेस की, और ताई ने भरपूर मदद की थी आरिफ मसूद साहब की। उनका एक कर्ज है मेरे ऊपर, वो कर्ज और चुकाने आया हूं। आज मध्य प्रदेश को एक नेता मिला है, एक रहनुमा मिला है, जो हर मौके बमौके खड़ा रहता है आपके लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। आप सोशल मीडिया पे आरिफ मसूद साहब को लड़ते हुए देखते हैं तो आपको फख्र होता है। तो आप ये जान लीजिए कि आरिफ मसूद साहब के एमएलए बनने में 1% का रोल जो है वो ताई का भी है। इस सलीके में भी मैं आपके बीच खड़ा हूं। मेरे भाई, बहुत कुछ सुनाना है, बहुत सारी शायरी सुनानी है। इधर पसीना पसीना, लंदन में टेम्परेचर 8 डिग्री था, यहाँ 30 से ज्यादा है, तो बिल्कुल क्लाइमेट बदल गया है। अभी वहां पे टाइम जो है वो दिन के 4:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उसी मोड में हूँ। मतलब यहाँ उतरने के बाद एडजस्ट भी नहीं कर पाया हूँ यहाँ के क्लाइमेट में, लेकिन मैं तो प्रतापगढ़िया हूँ, 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा, आप तो जानते हैं। उस क्लाइमेट में मोहब्बत की जो गर्मी, कोई भी मौसम हो, कोई भी गर्मी हो, बस इतना है नजर साहब के रमेश सोस का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। वाह 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 वाह, आज वो मोहब्बत निभाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, वर्षा जी से रिश्ता निभाने के लिए खड़ा हूँ। धारावी वालों, कोई जो आकर के आपके बीच में ये कहे कि वो आपका अपना है, अगर आपके अपने होने की दुहाई देकर के आपसे वोट मांगता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपका हूं, मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपके लिए खड़ा हूं, मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपके लिए बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, बस प्रोपेगंडा नहीं कर रहा हूं, चीख चिल्ला नहीं रहा हूं, सलीके से अपनी बात कह रहा हूं। धारावी वालों, इस मुश्किल लड़ाई में वर्षा ताई को जिताइए। मैं अपना दामन खाली लेकर के आपके बीच आया हूं। लोकसभा के चुनाव में मेरा दामन खाली रह गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि वर्षा ताई को जिता करके जो मेरा दामन खाली रह गया है उसे आप भरेंगे, और इंशाल्लाह मुझे मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। चचा ने उठ करके दोनों हाथ उठा दिए हैं, तो समझ लीजिए इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा ही होना है। मेरे भाई, अजीब माहौल बना हुआ है हमारे देश में, प्रधानमंत्री कूड़ा बिन रहे हैं, देखा आपने कि नहीं वो फोटो, कूड़ा बिनती हुई तस्वीर। अच्छा, आप लोगों ने गौर नहीं किया, मैं तो शायर हूं, थोड़ा सा ज्यादा सलीके से देखता हूं जी। उनको पसीना छाप टी शर्ट पहनाई गई है, जिसमें पसीने निकले हुए हो, ताकि लगे कि नहीं बंदा मेहनत कर रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि टी शर्ट जो है वो यहां तक आती है, तो जो आखिरी छोर है टी शर्ट का उस पर भी पसीने की